तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर मोबाइल बोनेंजा सेल स्टार्ट हो गई है और ये सेल 26 तारीख से 29 दिसंबर तक रहने वाली है और इस सेल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डील मिल रही हैं। साल का एंड चल रहा है और ये स्टॉक निकालने के चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट दे रही हैं हर ब्रांड पर, चाहे वो बजट फोन हो या फिर कोई प्रीमियम डिवाइस हो, सब पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑफर आपको मिलेगा वो है रियलमी 2 पर, जो कि 12,999 रुपये में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 660 और आपको इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल दी जाएगी। वहीं अगर आप एक बजट डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है आपका ओनर 9N का और दूसरा नोकिया 5.1 प्लस, आप इसमें से खरीद सकते हैं। दोनों ही फोन में 3GB रैम आती है और 32GB इंटरनल स्टोरेज आता है। फर्क इतना है, नोकिया के फोन में आपको नोच स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा नजर आएगा और ओनर 9 थोड़ा सा लेटेस्ट डिजाइन में है, उसका नोच थोड़ा सा कम आपको दिखाई देता है। वहीं अगर आप आसूस जेनफोन प्रो M1 लेना चाहते हैं, जो कि अभी तक का सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन मुझे इस प्राइस रेंज में लगा, वो आपको 8,999 रुपए में मिलेगा। 5000mAh की बैटरी के साथ स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर दिया जाता है, डबल कैमरे हैं और आपको 5.99 इंच की डिस्प्ले दी जाती है। ये भी काफी अच्छी डील आपको मिल रही है। वहीं जेनफोन मैक्स प्रो M2 की कीमत भी 12,999 रुपए रह गई है। इसके अंदर भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, नया डिजाइन है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है आसूस की तरफ से और स्नैपड्रैगन 660 वही जो आपको रियलमी 2 प्रो में देखने को मिलता है वही प्रोसेसर इसमें भी दिया गया है। आपको सैमसंग ऑन 6 पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 9,990 रुपए में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल दी जा रही है सैमसंग की तरफ से। 5.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है और 3000mAh की इसमें बैटरी भी दी जाती है। बजट स्मार्टफोन की सबसे अच्छी डील यहां से निकल के आ रही है, आसूस जेनफोन लाइट L1 की कीमत 4,999 रुपए रह गई है। सुपर पास प्रोसेसर है, हालांकि फोन इतना खास नहीं है लेकिन इस सेगमेंट में आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल 4,999 रुपए में मिल जाती है। जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर फोन की डील है वो है पोको F1 की। जी हाँ, इस फोन की कीमत लोएस्ट रह गई है अभी, 17,999 रुपए इस फोन की कीमत है इस सेल के दौरान, नहीं तो ये फोन 20,000 से कम या 21,000 से कम कभी हुआ नहीं है। और साथ ही बता दूं, इसके साथ आपको बायबैक मिलने वाला है 14,000 रुपए का, यानी अगर आप ये फोन अभी खरीद लेते हैं तो 7 या 8 महीने के बाद लगता है कि मुझे फोन बदल देना चाहिए, तो ये फोन फ्लिपकार्ट वाले 14,000 रुपए में ले जाएंगे, यानी 14,000 आपको वापिस मिल जाएंगे किसी भी दूसरे फोन को खरीदने पर, तो फोन की कीमत रह जाती है केवल 3,999 रुपए। बहुत अच्छी डील है अगर आप पोको F1 लेना चाहते हैं। स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग के साथ ये फोन आता है, 6GB की रैम दी गई है। अभी तक की काफी अच्छी डील है लेकिन कीमत ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप फोन ढूंढ रहे हैं फ्लैगशिप वाला तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आप जेनफोन 5G लेना चाहते हैं तो 24,999 रुपए में आपको 6GB और 128GB इंटरनल दी जाती है और 33,999 रुपए MRP थी और अब ये फोन 25,000 के आसपास रह गया है। ऐसे ही आईफोन 7 पर भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत सारे डिस्काउंट है। रियलमी 2 पर भी 4GB रैम और 64GB इंटरनल पर 9,499 रुपए में मिल जाता है, 4230mAh की बहुत बढ़िया बैटरी है, जो बैटरी के मामले में रियलमी की तरफ से जो जब से जबरदस्त फोन निकल के आया था वो रियलमी 2 था, क्योंकि बैटरी 4230mAh की थी, लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप फोन प्रोवाइड करता है। अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता होगा रियलमी 2 की बैटरी कितनी जबरदस्त चलती है। वही ओनर 7A 3GB रैम और 32GB इंटरनल के लिए आपको 7,499 रुपए देने पड़ रहे हैं। 5.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, ड्यूल रियर कैमरा, फेस अनलॉक की सुविधा दी जाती है। तो ये कुछ डील्स निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों ये थी फ्लिपकार्ट की मोबाइल बोनेंजा डील, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस बार कौन सा फोन खरीदने वाले हैं या कौन सा फोन खरीदने की सोच रहे हैं, उसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।